आजादी के 75वें अमृत महोत्सव तथा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS द्वारा वैश्विक स्तर पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत आज पंख हौसलों की उड़ान संस्था के तत्वाधान में योग गुरु श्रीमती हिमानी गुप्ता जी द्वारा धन्वंतरी गोल मंदिर के पास क्षेत्रवासियों के लिए सामूहिक व्यायाम तथा सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था के सदस्यों तथा क्षेत्रवासियों ने सूर्य नमस्कार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। योगाचार्य हिमानी गुप्ता जी द्वारा व्यायाम तथा सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला गया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना शर्मा जी द्वारा सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर और तेज बढ़ता है। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। ये अकेला अभ्यास ही व्यक्ति को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुँचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से व्यक्ति का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन सभी लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ भारत का निर्माण है, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वो इससे लड़ सके। इस अवसर पर गोपाल सुदन जी, आशु सिंह, नीलम राजपूत, सोनाली पहावा, निशु शर्मा, आकांक्षा मित्तल, अनुष्का मित्तल, संदीप पहावा आदि संस्थानों के सदस्य मौजूद रहे।